हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस करना है इन ड्राइव के साथ, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बाइक राइडर मैंने बुलवाया क्योंकि मेरे दोस्त जो है इस वक्त कोहिनूर पहुंच चुके हैं, और मैंने कहा भाई मुझसे तो बाइक बिल्कुल नहीं चल रही इस टाइम। बाइक तो अंदर माशाल्लाह तीन खड़ी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ज़रा भी दिल नहीं कर रहा चलाने को। तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम बाइक मंगवाई है इन ड्राइव से, और अभी हम जाएंगे कोहिनूर, उसके साथ वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और वहाँ जाके क्या करते हैं ये भी शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं, मेरे ख्याल आगे भाई। तो जी भाई आ चुके हैं और इनके साथ हम जा रहे हैं कोहिनूर में। तो भाई काफी देर हो गई आपको लगता है इन ड्राइव पे, कितना टाइम हो गया है? दो ढाई साल हो गए। तो क्या इसमें प्रॉफिट है? अच्छा, तो जो लोग देख रहे हैं अगर वो इन ड्राइव पे गाड़ी या बाइक चलाना चाहते तो क्या मशवरा देते हो, चलाना चाहिए कि नहीं? बहुत बेहतर है, नौकरी से बहुत बेहतर है। नौकरी से बेहतर है? बहुत बेहतर। तो भाई कह रहे हैं कि जॉब से बेहतर है ये चीज की, अगर आप अपना रोजगार खुद बनाते हैं तो, मतलब अपनी बाइक पे आप खुद ही ओनर है इस चीज के। तो अभी चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं आपको, कोहिनूर पहुंच के आपको सीट दिखाते हैं। तो जी भाई बता रहे हैं कि इन ड्राइव पे या उबर पे यांगो पे जिस पे भी आप काम करें, लेकिन आप नियत से काम करें तो आप जो है वो अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। भाई ने बताया कि मैं 3 घंटे 3 आवर्स जो है वो देता हूँ इसको रात के टाइम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि 30+ जो है वो इनकम मेरी क्रिएट हो जाती है इससे। तो अगर कोई भी भाई सही नीयत से काम करना चाहता है, सही नीयत से कोई भी भाई काम करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है अगर वो पार्ट टाइम भी इसको यूज़ करे तो वो अच्छे पैसे अर्न कर सकता है। बेफजूल घूमने से अच्छा है आप इस तरह के काम कर लें, और भी बहुत सारे जरिए मुआशे कमाने के। तो भाई मैंने सही बोला है? अभी बस हम कोहिनूर पहुंचने वाले हैं, वहां से मुझे मेरे दोस्त पिक करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम जा रहे हैं, हम चाय दोस्ती को जा रहे हैं, वहां जाके आपको सीन दिखाते हैं। बात सुनी है कि वहां शीशा बन चुका है, शीशा कैफे, अभी तक यकीन तो नहीं है, जाके देखते हैं, वहां पर ड्राइव ही करते हैं, फिर कोड रिव्यू देना तो फिर ये भी तो बनता है ना भाई। हम पहुंच चुके हैं अभी चाय शाय पे, यहाँ से अपने बाकी दोस्तों को उठाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो भाई जान यहाँ पे मैच लगा है और आवाम जो है वो फुल ही हैवी किस्म की बैठी हुई है। अब्दुल्ला भाई स्कोर बताइएगा क्या चल रहा है? स्कोर पता नहीं। हाँ जी, स्कोर क्या चल रहा है? स्कोर क्या चल रहा है? 21 रन चाहिए। कितने में बॉल? बहुत है और आउट? आउट 7 हो गए। बाकी जाके देखते हैं चाहे दोस्ती पे। तो जनाब आ चुके हैं, अब्दुल्ला भाई भी आ चुके हैं और मुबीन भाई भी आ चुके हैं, और हम कोहिनूर भी पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं चाय दोस्ती पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे शीशे का पूरा सीन ऑन है, तो अभी जाते हैं और वहाँ पे जाके शीशा लगवाते हैं और हमारे साथ एंजॉय करेंगे अब्दुल्ला भाई और मुबीन भाई, और मैच देखते हैं। मैच की सूरत हाल फंसी हुई है। अब्दुल्ला भाई वैसे अल्लाह खैर ही करे, आज पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान बाहर होगा, समझ रहे हैं ना? समझ रहे पाकिस्तान। चलिए चलते हैं चाय दोस्ती, वहाँ जाके मिलते हैं। तो भैया गाड़ी में हम मैच देख रहे हैं, अभी जो सूरत हाल है वो बहुत नाजुक सी हुई हुई है। यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तान जो है वो फील्डिंग कर रहा है और 48 बॉल्स में उनको 20 रन चाहिए जो दूसरी टीम है, और पाकिस्तान इस टाइम जो है वो फील्डिंग कर रहा है, और आउट जो है वो तकरीबन इस वक्त 8 आउट हो चुके हैं और 2 आउट मजीद हमें चाहिए तो पाकिस्तान जीतता है, वरना आपको तो पता है तो जो है वो चोटें लग चुकी है हमारे खिलाड़ियों को, तो इनका इस्तकबाल तो मेरे ख्याल टमाटरों, गंदे अंडों और ऐसी चीजों से होना चाहिए। क्यों अब्दुल्ला भाई, जो इन्होंने हाल कर दिया पाकिस्तान का, खास तौर पे अफगानिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुनने के बाद तो इधर दर्द हुआ, इधर दिल में भाई, दिल में खब्बे पासे मेरा दिल इधर ही है, मैं ECG करा के देखिया। तो भैया अभी तक हम पहुंचे नहीं है, जैसे ही पहुंचते हैं आपको वहां की स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, और आपको साथ में मैं पीता तो नहीं हूँ शीशा, लेकिन मैंने कहा चले आपको रिव्यू देना, क्योंकि अब फूड रिव्यू अब रेस्टोरेंट्स का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आजकल, तो फिर वो देना चाहिए। और अपने भाई को यार लाइक किया करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल, और जौन सी भी वीडियो आती है उसको फुल देखा करो और कमेंट किया करो, ताकि मेरी वीडियो मजीद आगे बढ़े और आपके भाई की जान जो डॉलर कमा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्लेसेस पे जाए। क्यों अब्दुल्ला भाई, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो जी भाई हम बिल्कुल इस टाइम खड़े हैं चाय दोस्ती के सामने, और हमने आवाज बना करी, हम बिल्कुल चाय दोस्ती के सामने खड़े हैं, और अभी हमने उनके वेटर से पूछा कि भाई यहाँ पे शीशा लगता है, तो उन्होंने हमें कहा है कि नहीं भाई इधर पीने वाला शीशा नहीं लगता, साइडों पे शीशे बहुत लगते हैं। ये बंदा देख रहे हैं आप,
इसने बगैरती की है मेरे साथ पूरी पूरी। इसने मुझे फोन करके बाइक किया पे मुझे बुलवाया, मैं बाइक पे राइड लेके किसी के साथ आया हूँ। और अभी ये व्लॉग ऐसे ही लगे कि जो मर्जी हो ये हमें शीशा ना पिलाएगा तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड व्लॉग में कह रहा हूँ। बोला भाई इसने जाती की है ना जी यार, मैच की सूरत हाल बताए आप। मैच की सूरत हाल जीत गए, चल सही है तू कर रहे थे पहले ही। तो भाईजान चेहरे से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि अभी तक हमारे साथ जितना भी हाथ हुआ है वो ये मुबीन भाई ने कर दिया हमारे साथ। गेड़ा किनार नहीं पीते होते, शीशा नहीं पीते होते। किनार रोड पे जनाब कोई शीशा नहीं है। अभी हम जा रहे हैं अफगानाबाद, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कैफे है, एक चाय पानी वहाँ पे सुना है, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन है और वहीं पे मिलते हैं। अभी गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है, मैं क्या कहूँ। दो लोगों को कॉल किया है, एक ने कहा कि मैं घर नहीं हूँ और दूसरे ने कॉल नहीं उठाई। दूसरे ये तक कह दिया भाई घर मेरा ले लो बेशक आपके लिए हाजिर है। ये भी है हाँ, ये भी कहा है शीशा लेकिन उनके पास नहीं है। एक मिनट भाई, क्या 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 हालत हो गया भाई, आउट हो गया, आउट हो गया, एक और आउट हो गया भाई, लास्ट आउट रह गया, लास्ट आउट यार, लास्ट आउट रह गया। 10 स्कोर चाहिए, अगर उन्हें 10 स्कोर बना लिया तो वो जीत जाएंगे और अगर हमने एक आउट कर दिया तो हम जीत जाएंगे। बाकी नेट हमारा रुक गया, अभी आपको आगे जाके बताते हैं। मेरा कोई रिव्यू भी नहीं है। रिव्यू रिजवान वांट्स टू रिव्यू बच्चा, ले 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 रिव्यू ले ले अल्लाह ले आई। और नेट बंद हो गया, और चला इनू की बने है चोरी सब बंद है जी, वही परेशान खड़ा बेचारा ना, गल्ला हो रही है हले पता कुछ नहीं की बनता। पाकिस्तान च नहीं हो रहा मैच, मुबीन नहीं गाओ अच्छा अच्छा ये कट कर दे करता आउट है आउट हिटिंग हो रही है हिसिंग लेग स्टंप अंपायर स्कोर आउट है आउट है आउट है आउट है यार देता वा आउट उन्हें, नॉट आउट कहता उन्हें यार, एक ही ये बदतमीजी है। पीछे से आवाजें तो आपको आ रही होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने और वो जीत चुके हैं और हम हार चुके हैं। आज का पता नहीं क्या प्लान है, ये मेरे ख्याल ये हमारे साथ भाई ही नैश पाए गए हैं। अभी हम जा रहे हैं, अब हमारी लास्ट होप, आपको पता हम किस लिए ये व्लॉग बनाया सारा, वहाँ पहुँच के तो देखते हैं अब क्या सीन है। तो बाकी मैच तो पाकिस्तान हार गया, अब इनको पाकिस्तान आना अल्लाह नसीब करे, बेचारे 11 खिलाड़ी हमारे किसी दूसरे मुल्क में कैद हैं। टमाटर और गंदे अंडों से इस्तकबाल करें इनका, और ये उम्मीद नहीं थी लेकिन लोगों ने तो अब यही गाने लगाने हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। और अभी हम जा रहे हैं चाय पानी पे, खुदा हाफिज़। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि घर के इतने करीब हमारे होगा, मैं अपने घर से वहां तक गया हूं, वहां पे कुछ मिला नहीं लेकिन मेरे घर के बिल्कुल करीब ही है। पहुंच गए आ रहे हैं भाई, ओ पुलिस आ गई थोड़ी मैंने तो नहीं पिया, ये मुबीन लोगों ने पिया है, और अभी हम वापस जा रहे हैं, अब हम वापस नहीं करें बस। ये हमने लोडेड फ्राइज भी खा ली है, लोडेड फ्राइज ये मैंने खाई है।
भैया रेस्टोरेंट ठीक था लेकिन हमारे पे हम लोगों के बैठने वाली सीटिंग नहीं है यहाँ पे, मेरा ख्याल है लोग खराब होते हैं और मुझे तो फर्स्ट टाइम मुबीन भाई लेके गए थे। ओ भाई मैं कब लेके गया मुझे पता भी नहीं है यार क्या हो गया। तो आज का भी लोग जो यहाँ पे खत्म करते हैं, हम घर जा रहे हैं, मेरा घर करीबी है, मुझे यहाँ उतारेंगे और फिर ये दोनों भाई चलेंगे। पाकिस्तान हार गया आज तो उसका दिली दुख हुआ। और व्लॉग लाजमी देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।